हाँ जी दोस्तों, तो बाकी सारी नॉलेज अब आपको हो गई है ना। थोड़ी सी नॉलेज मैं आपको और देना चाहता हूँ, जो हमसे कई बार सवाल पूछते हैं। हमारे जब प्राइस लिस्ट या कैटलॉग जब आपके पास पहुँच जाता है ना, तो इसमें कुछ एक आइटम्स का जिक्र है। इन केस जो मीडिया है उसमें हमने कई तरह कुछ पेपर लिस्ट में लिखे हुए हैं, तो जनरली लोग हमसे पूछते हैं भी कौन कौन से पेपर है, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होती हैं। जस्ट हम उसको एक एक करके कवर कर लेते हैं, है ना। तो इसमें हमने लिखा हुआ है A4 मोबाइल स्क्रीन सीट, 50 सीट का पैकेट। ठीक है, आपने पढ़ लिया। मोबाइल स्क्रीन सीट का मतलब है ये मोबाइल स्टिकर है। जो लोग मोबाइल स्टिकर बनाना चाहते हैं ये वो सीट खरीद सकते हैं। बेसिकली नॉन टेरेबल है, यानी कि फटती नहीं है, वाटर प्रूफ है, पानी से खराब नहीं होती है, और इंकजेट प्रिंटेबल सीट है, और इसके पीछे रिलीज लगा हुआ है। तो ये जो सीट है हमारे पास, मोबाइल स्क्रीन सीट, माफ कीजिए एक सेकेंड सर, तो ये मोबाइल स्क्रीन सीट है, इसमें हमने छपे हुए कुछ मोबाइल के वजह से स्टिकर लगाते हैं। तो ये सीट आप, दरअसल ये सब्लिमेशन नहीं है, इसको सब्लिमेशन से मत मिलाइएगा, ये एक डिफरेंट कंसेप्ट है। आपने मोबाइल स्क्रीन सीट पर डिज़ाइन कंप्यूटर में डिज़ाइन किया, प्रिंटर से प्रिंट किया, प्लॉटर से कटिंग कर दिया, कैमरा फ्लैश है ना, स्पीकर के प्लेसमेंट को और आउटलाइन उसको दे दी, कटिंग कर दिया और निकाला, मोबाइल पर चिपका दिया, ये आपका मोबाइल स्टिकर तैयार हो गया। तो ये पहला आइटम इसमें मोबाइल स्क्रीन सीट दिया हुआ है। अगला आइटम मैं लेता हूँ, इसमें लिखा है ID कार्ड PVC शीट। इस तरह की ये प्लास्टिक शीट आती है जिसको सब्लिमेशन प्रिंट कर सकते हैं। इनकेस अगर आपको ID कार्ड बनाने हैं, आप सिस्टम में डिज़ाइन कीजिए, A4 साइज के अंदर 10 ID कार्ड डिज़ाइन कीजिए, सब्लिमेशन पेपर में मिरर प्रिंट आउट निकालिए, PVC शीट के ऊपर कर हीटर प्रेस रखिए, और 10 ID कार्ड का डिज़ाइन प्रिंट हो जाएगा, और इसको कार्ड से कटिंग करके ID कार्ड रेडी कर दोगे। ये शीट दो तरीके से आती है, विद रिलीज यानी कि विद गमिंग एंड विदाउट गमिंग। इनकेस अगर कार्ड होल्डर आपका पेस्ट करने वाला है तो विद गमिंग वाली शीट आप ले सकते हो, कार्ड होल्डर आपके पास इंसर्ट करने वाला है तो विदाउट गमिंग शीट ले सकते हो। ये इस शीट का एक एप्लीकेशन है, इसके बहुत सारे और एप्लीकेशन हो सकते हैं। हम लोग इसका मेजर एप्लीकेशन नाइट लैंप के अंदर लगा रहे हैं इस शीट को, है ना। तो ये वो एक एप्लीकेशन है इसका, PVC शीट का। इसके बाद सब्लिमेशन ट्रांसफर पेपर आता है। सब्लिमेशन ट्रांसफर पेपर हमारे पास होते हैं, इसमें जनरली दो फॉर्मेट में होते हैं, लेट ड्राई एंड फास्ट ड्राई। लोग पूछते हैं जी हमें कौन सा लेना है, तो मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए कि कई बार क्लाइमेट पर भी डिपेंड करता है। इफ क्लाइम अगर हमारे पास ड्राई क्लाइमेट है तो हम लोग लेट ड्राई पेपर यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो सूखे, उसका ट्रांसफर परसेंटेज थोड़ा बढ़ जाता है। और इनकेस क्लाइमेट का इश्यू है, थोड़ी नमी है, तो हम लोग फास्ट ड्राई पेपर इस्तेमाल करेंगे, ताकि सूखने में टाइम ना लगे उसमें, है ना। तो इसको हम वैसे भी हम लोग कह सकते हैं कि अगर टी शर्ट्स वगैरह पर कर रहे हैं तो कई बार लेट ड्राई पेपर ज़्यादा रिकमेंडेड होता है, और बाकी अगर हार्ड सर्फेसिस या मग्स या सेरामिक्स पर, लकड़ी पर, टाइल्स पर, है ना, मेटल्स पर प्रिंटिंग कर रहे हैं तो फास्ट ड्राई पेपर हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल होता है। तो कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, कई बार दोनों पेपर दोनों जगह चल जाते हैं, पर जस्ट आपके नॉलेज के लिए ये पेपर होता है। इसके बाद हमारे पास एक और पेपर है, लाइट कॉटन ट्रांसफर पेपर। ये पेपर हमारे पास लाइट गारमेंट पेपर है। अभी पेपर दो जगह हमारा चलता है। नंबर एक तो ये है कि जहां सब्लिमेशन इंक नहीं है प्रिंटर के अंदर, ये बेसिकली पेपर ट्रांसफर है, इंक ट्रांसफर नहीं है। जहां प्रिंटर के अंदर सब्लिमेशन इंक नहीं है वहां ये पेपर आप इस्तेमाल कर सकते हो, नंबर एक। और दूसरा, जहां कपड़ा तो वाइट है पर बहुत रफ कपड़ा है, जहां पर सब्लिमेशन प्रिंटिंग हमारी बहुत अच्छी नहीं आ रही है, आप उस केस में लाइट गारमेंट रबर पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको आप प्रिंट निकाल दो सब्लिमेशन की तरह मिरर इमेज में, टी शर्ट्स में रख के ट्रांसफर कर देते हो, ट्रांसफर परसेंटेज आपको बेहतर मिल जाती है, पर इसमें आपको रबर फील होता है। ये सब्लिमेशन की तरह नहीं है कि आपको फील नहीं होगा, इसमें आपको रबर फील होगा, पर ये लाइट गारमेंट या व्हाइट कलर के टी शर्ट्स के लिए रिकमेंडेड है। इसके अलावा एक पेपर हमारे पास ये आता है, डार्क गारमेंट पेपर। डार्क गारमेंट पेपर में कुछ होलोग्राम बना हुआ है, कुछ ग्रीन टाइप का ये, तो ये आपकी ब्लैक कलर की टी शर्ट्स पे, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में आपको दिखाया था, हमने वो पिक्चर प्रिंट किया हुआ है, ये वो प्रिंट पेपर है जिसको पील करोगे टी शर्ट्स पर के हीट प्रेस कर दोगे। हमारे पास इसका पूरा वीडियो अलग, आप अलग से मांग सकते हो, पर जस्ट एप्लीकेशन आपको बताने के लिए, आपको डार्क हीट ट्रांसफर पेपर को इंकजेट प्रिंटर से प्रिंट निकालोगे, डिजाइन को अगर वो प्लॉटर की नीड है तो प्लॉटर से कटिंग करोगे, और पूरा A4 साइज लगाना है तो पेपर को पील करोगे, टी शर्ट्स पर रख करके हीट प्रेस कर दोगे, ये आपका डार्क हीट ट्रांसफर पेपर आ जाता है। इसके बाद में विनाइल और फ्लोक, ये वो मीडिया जो प्लॉटर से कटता है, जैसे भी मैंने अपनी टी शर्ट पे डिजाइन बना हुआ है, ये फ्लोक है, फ्लोक